प्यारी साथ संगत जियो, हम फिर से आपके दर्शनों के लिए यूपी आश्रम में पहुंच चुके हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सबको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। और आपने पहले की तरह जैसे आपको बोला था कि आप मानते रहना अपने अपने घरों में, जैसे भी आपको बताएंगे जुम्मेवार लोग उसके अकॉर्डिंग करना है, मनमर्जी नहीं करनी, भगदड़ नहीं करनी। सो ये आप ज़रूर मानिएगा हमारी बात, हमेशा मानते हैं, हमें गर्व है आप लोगों पे, हमारे बच्चों पे बहुत गर्व है। सो परमपिता परमात्मा और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे आपको। सो आपके दर्शनों के लिए यहाँ पे आ गए हैं, तो दर्शन चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन आपने माननी है बात। हमें पता, कहने की ज़रूरत नहीं इतनी बार कि जुम्मेवार आपको जैसे कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हम यहाँ पे। मालिक आपको बहुत खुशियाँ दे। वो समुंदर आपको याद ही होंगे तो समुंदर ऐसा ना, ज़्यादा भी हो जाते हैं तो ज़्यादा बढ़ के आएंगे, फिक्र मत करो, और ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। तो ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये तेरावास यूपी का आप देख ही रहे हैं, सारे पता तो आपको चल ही गया। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, फिर बात करेंगे, बातें करते ही रहेंगे आप लोगों से, बस आप जुड़े रहना, बातें करते रहना। और छोटे बच्चों को भी बहुत आशीर्वाद, जवानों को भी आशीर्वाद, और बुज़ुर्गों को भी। हमारे तो सारे ही बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे ने पूछ लिया था, उसके साथ उसके पापा थे, दादा थे, कहने लगा गुरुजी पिताजी मैं भी पिताजी कहता हूँ, मेरा पापा भी पिताजी कहता है और मेरा दादा भी कहता है। तो हमने कहा बेटा, कहता ये चक्कर क्या है? हमने कहा बेटा जो तेरी समझ में नहीं आएगा पर बता देते हैं, संत जो होते हैं उनके लिए भगवान की औलाद अपनी औलाद होती है, तो इसलिए पिताजी कहते हैं सारे, क्योंकि हमारे सारे बच्चे हैं जो भगवान की औलाद हैं, वो हमारी औलाद हैं। तो सारों को आशीर्वाद, सारी भगवान की औलाद को आशीर्वाद, भगवान सबको खुशियाँ दे, अंदर बाहर से मालामाल करें, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। प्यारी साथ संगत जियो, हम फिर से आपके दर्शनों के लिए यूपी आश्रम में पहुंच चुके हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सबको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। और आपने पहले की तरह जैसे आपको बोला था कि आप मानते रहना अपने अपने घरों में, जैसे भी आपको बताएंगे जुम्मेवार लोग उसके अकॉर्डिंग करना है, मनमर्जी नहीं करनी, भगदड़ नहीं करनी। सो ये आप ज़रूर मानिएगा हमारी बात, हमेशा मानते हैं, हमें गर्व है आप लोगों पे, हमारे बच्चों पे बहुत गर्व है। सो परमपिता परमात्मा और बहुत ज़्यादा खुशियां दे आपको। सो आपके दर्शनों के लिए यहाँ पे आ गए हैं, तो दर्शन चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन आपने माननी है बात। हमें पता, कहने की ज़रूरत नहीं इतनी बार कि जुम्मेवार आपको जैसे कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हम यहाँ पे। मालिक आपको बहुत खुशियाँ दे। वो समुंदर आपको याद ही होंगे तो समुंदर ऐसा ना, ज़्यादा भी हो जाते हैं तो ज़्यादा बढ़ के आएंगे, फिक्र मत करो, और ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। तो ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये तेरावास यूपी का आप देख ही रहे हैं, सारे पता तो आपको चल ही गया। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, फिर बात करेंगे, बातें करते ही रहेंगे आप लोगों से, बस आप जुड़े रहना, बातें करते रहना। और छोटे बच्चों को भी बहुत आशीर्वाद, जवानों को भी आशीर्वाद, और बुज़ुर्गों को भी। हमारे तो सारे ही बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे ने पूछ लिया था, उसके साथ उसके पापा थे, दादा थे, कहने लगा गुरुजी पिताजी मैं भी पिताजी कहता हूँ, मेरा पापा भी पिताजी कहता है और मेरा दादा भी कहता है। तो हमने कहा बेटा, कहता ये चक्कर क्या है? हमने कहा बेटा जो तेरी समझ में नहीं आएगा पर बता देते हैं, संत जो होते हैं उनके लिए भगवान की औलाद अपनी औलाद होती है, तो इसलिए पिताजी कहते हैं सारे, क्योंकि हमारे सारे बच्चे हैं जो भगवान की औलाद हैं, वो हमारी औलाद हैं। तो सारों को आशीर्वाद, सारी भगवान की औलाद को आशीर्वाद, भगवान सबको खुशियाँ दे, अंदर बाहर से मालामाल करें, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।